अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक। मैं बोली ना, मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ, मैं परकार वाले नहीं बनाती। ये अदरक लहसुन हरी मिर्ची इसको पीस ली। ये कांदा खाते हैं, पांच कांदा, कांदा पांच। पतले पतले लंबे काटने हैं। प्याज कट गई, मेरी तेल डाल दी। तेल ज्यादा जाता है इसमें। तेल शाहजीरा डाल दूंगी, थोड़ा शाहजीरा, रसगारा काली मिर्च, बीफ नहीं आ रही है। ये निहारी का गोश, ये ऐसी गोश लेने का रेशे वाला, तो निहारी अच्छी बनती है इससे। ये गोश बीफ का गोश है। और ये ऐसे बड़े बड़े पीस में ही काटती हूँ मैं। और ये निहारी का मसाला, ये मैंने चार टमाटर काटे डालने के लिए। अब ये लाल हो रहा है, अभी कुकर बड़ा है इसलिए दिख नहीं रहा होगा बराबर, मगर फिर भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए एक ऐसा हो जाएगा कांदा, तो इसमें आप गोश्त डाल दीजिए। इसमें नमक ऐड कीजिए जितना टेस्ट के हिसाब से। हमारी गोश्त को कांदे के साथ थोड़ा भूनेंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। फिर इसमें मैं अदरक लहसुन जो मैं पीसी थी ना, अदरक लहसुन हरी मिर्ची, वो मैं ऐड करूँगी। तो वो अच्छा भून जाएगा तो फिर मैं टमाटर ऐड करूँगी, फिर निहारी मसाला मैं ऐड करूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। बहुत अच्छा भून गया है, बनाने में है दिक्कत मगर जब तैयार होती है ना, ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन जो मैंने पीसी थी, मेरा
ब्लेड भी टूट गया है, मिक्सर वाले को देना पड़ेगा बनाने। आज ही टूटना था ब्लेड को भी, मैं शाम में मार्केट जाऊंगी ना तो ये इसको बनाने दे दूंगी। सब निकल गया इसका वॉल सब निकल गया। कोई हाथ के नीचे जो सामान रहता है वो खराब हो जाता है ना तो बहुत परेशानी हो जाती है। अभी देखिए मैं इसको भूल रही हूँ, मैं मेरे हिसाब से ही बनाती हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं कि ये डालो वो डालो वैसा बनाओ ऐसा बनाओ। ये क्या बोटी क्या बड़ी बड़ी है ना, इसलिए जरा हिलाने में टाइम लगता है। अदरक लहसुन जरा भुने जाएगा ना, फिर मैं इसमें टमाटर, निहारी मसाला, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, हल्दी मतलब एकदम कम नहीं के बराबर डालने का, क्योंकि इसमें हल्दी नहीं पड़ती है, फिर भी मैं डाल देती हूँ। तो थोड़ा ये भून जावे फिर मैं बताती हूँ आगे का। अदरक लहसुन भून गया है, मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। और मिर्ची पाउडर ज्यादा नहीं, थोड़ा, ज्यादा लाल भी नहीं अच्छी लगती। और जब पानी अगर लगा ऐसा तो कुछ कम है तो और ऐड कर देंगे। और हल्दी में इतनी डाल दी बस, ज्यादा नहीं। और ये धनिया पाउडर, ये थोड़ा मैं एक ही चम्मच डालूंगी। नमक तो मैंने डाल ली थी। अब ये जो निहारी मसाला ये 1 किलो का है, और मेरे पास गोश्त भी जो है वो भी 1 किलो का है, तो ये पूरा पैकेज जाएगा इसमें। और मेन यही है इसका निहारी मसाला। ये जरा संभाल के करना पड़ेगा, बहुत ही है। कुकर जरा ऊंचा है ना तो थोड़ा मेरे को दिक्कत हो रही है हिलाने की। ये देखिए ये ऐसा हो जाएगा। इसको थोड़ा भूनने के बाद इसमें पानी ज़्यादा ऐड करने का है, फिर इसको जो पकने रखने का है कम से कम 3 से 4 घंटा, क्योंकि ये बीफ का गोश है बड़े का। और इसमें थोड़ा मैं हरा धनिया भी डाल दे रही हूँ कि सीटी हो तो खुशबू आए। बस मैंने हरा धनिया डाल दिया, कितना अच्छा दिख रहा है, ऐसा लग रहा अभी खा लूँ। थोड़ा भुने जाए तो फिर इसमें मैं पानी डाल के ढक्कन लगा दूंगी, फिर 3 घंटे के बाद इसको खोलूंगी। और एकदम फास्ट पे नहीं पकाना, थोड़ा मीडियम रखो, मीडियम पे आराम से होएगा। तो मैं अभी भुने जाएगा तो आप लोगों को बताती हूँ, फिर उसके बाद 3 घंटे के बाद इसको खोलना है। गोश एकदम निहारी का गोश मालूम कैसा गलना चाहिए, एकदम रेशा रेशा खुलना चाहिए उसका। ये देखो मेरा मिक्सर का सब टूट गया है, अभी ये बनाना देना पड़ेगा। ये देखिए सब टूट गया है मिक्सर। इसको मैं पहले भी रिपेयर कर चुकी हूँ और अभी भी रिपेयर करना पड़ेगा। मैं शाम में जाऊँगी या कुछ बार होगी तो ये रिपेयर हो जाएगा। मैं इसको एक अच्छी जगह रख दी ताकि उसका जो वाइसर है
जो भी है उसका वो घूमे ना, तो घूम गया तो घूम लगा, फिर एक्स्ट्रा उसका चार्ज देना पड़ेगा, ये लगाने का है वो लगाने का। इसलिए अपन अपना जो सामान है वो अच्छे से रखेंगे तो भूल नहीं होगा, और अच्छे से चीज़ें वापरेंगे तो चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती। मेरा बहुत पुराना मिक्सर है, मिक्सर जार भी और मिक्सर भी, हर चीज़ मेरी संभाल के चलती है, क्योंकि मैं ज़्यादा उठा पटक नहीं करती, बहुत अच्छे से वो चल जाती है चीज़ें। यह भी भून गया है, ये देखिए भूल गया है ना, नीचे लग भी रहा है, जिसको चाहिए पानी। ये देखिए मैं इसमें पानी डालूंगी और खुशबू एकदम अच्छी आ रही है। एक दो चार पाँच सभी ये पकेगा। मैं बोली ना आपको 3 घंटे तक इसको छोड़ दो, क्योंकि बीफ है ना तो टाइम लगेगा गलने के लिए, और निहारी में एकदम मैश हुआ हुआ गोश्त चाहिए, तो अभी मैं इसका ढक्कन लगा रही हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ बाद में। देखते हैं गोश्त गला के लिए, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। देखते हैं गोश गला है कभी, एक मिनट इसको और थोड़ा और पकाना पड़ेगा, क्योंकि छुरी मतलब छुरी या चम्मच है इससे ऐसा भी करेंगे ना तो तुरंत टूटना चाहिए, ये थोड़ा ताकत लग रही है, तो थोड़ा और पकाएंगे फिर बाद में बताएंगे। इसमें जो निहारी का जो आलन बनता है ना, वो आटे से, घी का आटा, मैदे का, या मतलब घी का ही ज़्यादा सही रहता है, उसका भी पेस्ट बनाना पड़ेगा। पेस्ट बनाने के बाद जैसा वो गोश्त गल गया, निहारी तैयार हो गई, फिर उसमें दूसरे में खाली करके, खाली करने के बाद फिर ये आलन, निहारी उबलते रहेगी तो ये आलन जो बन रहा है ये उसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, फिर थोड़ा पकाएंगे, फिर तैयार हो जाएगी तो मैं आपको बताती हूँ। इसका जो ऊपर आया है ना रोगन या तरी, इस पे जो तरी आती है ना वो मैं अभी निकाल रही हूँ, मैंने आधा घंटा कुकर बंद करके रख दिया था ताकि इसकी तरी जो ऊपर आ जाए, क्योंकि अभी इसमें आटे का आलन लगाने का, और तरी नहीं निकालेंगे और ऐसी आटा डाल देंगे, आटे का मतलब जो बनाई हुई पेस्ट आलन, तो पूरी तरी चली जाएगी, फिर उस पर अपने को तरी नहीं होगी, और तरी नहीं तो फिर निहारी का मतलब ही नहीं है, निहारी में तरी चाहिए। Yeah, I'm
तरी मैंने निकाल दी, अभी मैं बताती हूँ आपको। ज्यादा नहीं निकली, इतनी निकली, इतनी तरी निकली, अभी मैं बताती हूँ। ये ऐसा गला हुआ चाहिए, रेशा रेशा, ये ऐसा रेशे वाला गोश्त। अभी मैं इसको तोड़ने डाल दी हूँ। सालन जैसा ही होता है ये, आटा डालने के बाद निहारी का लुक आता है। अभी गोश देखो इसमें, गोश ये गोश ये ऐसा गले लगा चाहिए। जरा से चम्मच मारो, गोश गल गया। जरा सी चम्मच मारो तो ये गोश ऐसा रेशे वाला। अब मैं इसको भी निकाल देती हूँ। बस अब ये पूरा निकाल के फिर मैं बताती हूँ आलन कैसा है। गैस पे इसको उबाल आएगा। उबाल आने के बाद फिर इसमें आलन लगाएंगे। ये हो जाएगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ। बस ये उबल रहा है, ये उबलते हुए थोड़ा थोड़ा डालेंगे ये ऐसा। हिलाते रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो क्या गुठली उठली बन जाएगी, गांठ हो जाएगी, इसलिए हिलाते रहिए तो पतला हो जाएगा। लेके आ रहे थोड़ा घट लग रहा है, थोड़ा सा पानी। थोड़ा एक घट जैसा हो गया, तब ठीक हो गया। अब इसमें और थोड़ा पानी मिलाऊंगी। इसमें नमक भी टेस्ट करेंगे, क्योंकि नमक मैंने सिर्फ गोश्त जो भुनी थी बस उसी में डाली थी। अभी मैं देखूंगी इसमें नमक है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो मैं फिर डालूंगी। नहीं, नमक कम है, एकदम ही नहीं है, एकदम ही नहीं के बराबर है नमक। ये भी नमक जा रहा है। इसको थोड़ा पाँच मिनट भी नहीं, मुश्किल से 3 मिनट पकाएंगे, आटा पक जाए। बस फिर ये तैयार हो जाएगी 3 या 4 मिनट के बाद। फिर मैं आपको इसका लुक, फाइनल लुक बताऊंगी। बस तैयार हो गई नहारी। तो मैं इसको बताती हूँ निकाल के, नहारी निकाल के बता रही हूँ।
जो तवे निकाले थे ना ऊपर, इसको जितना चाहिए उतना खाएंगे। और ये अदरक है और ये नींबू और ये गोश्त, देखो जो गोश्त है ना गला हुआ, ये देखो, ये देखो यहाँ इसमें भी देखो और इसमें भी देखो। ये ऐसा रेशा मैं सब ये वीडियो में यहीं करती हूँ, कल मिलती हूँ, बाय।